Hi student, welcome back. And today we'll take the next part of your mole concept, that is basic concepts in chemistry. That is the next article. The next article is mole concept in gases. Mole concept in gases. You know, what about gases? You know that gases having more intermolecular space and they occupy the entire available space. Yeh pura space ko occupy karte hain. And very common understanding, if I take a solid on heating, you can get a liquid on heating, we are going to get a gas. Iska apna meaning hua, ta agar aapke paas koi solid hai, सॉलिड को हीट सप्लाई करो. अगर हम सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं, इट जनरली कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड अकॉर्डिंगली बाय सप्लाइंग हीट टू लिक्विड इट यूजुअली कन्वर्ट इनटू गैसेस. It converts into what? Gases. Take it. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गैस ऑक्यूपाइज एंटायर अवेलेबल स्पेस, यह पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. इसका कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं रहता है. अपना जो भी बेजल का वॉल्यूम है वही अपना गैस का वॉल्यूम होता है. अगर हमने ऐसे कुछ सिलेंडर लिए हैं, इफ आई टेक ए गैस सिलेंडर नाउ दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स. And they move randomly in all possible directions. They can move along x-axis, they can move along y-axis, and they can move along z-axis. ठीक है? अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, जब मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा, प्रेशर को इंक्रीज किया, इसको मैं प्रेशर दिया, दबाव दिया है, वॉल्यूम कम होता है. So therefore here we can say that कि the volume of gas inversely proportional to pressure applied. And here we are keeping temperature and number of moles of gas constant. N अपना quantity के बाद number of moles of gas है. Okay. ये अपना इक्वेशन वन हो गया एंड दिस इज कॉल्ड योर बॉयल्स लॉ. ठीक है, अगर हम नीचे से हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करता हूं तो अपना गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फिर अपना गैस एक्सपैंड होगा. ना जब एक गैस एक्सपैंड होता है अपना बिल्कुल वॉल्यूम बढ़ जाता है. वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है. देयरफॉर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अपना गैस एक्सपैंड होगा, फिर अपना गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है. सो वी कैन से दैट वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल टी एंड इन दिस पर्टिकुलर केस नंबर ऑफ मोल्स एंड द प्रेशर ऑफ गैस केप्ट कॉन्स्टेंट. इस हम इक्वेशन टू मानेंगे एंड दिस इज कॉल्ड योर चार्ल्स लॉ. इस हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ कहते हैं. नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली अगर मैं गैस का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, गैस का नंबर ऑफ मोल बढ़ाता हूं, जब मैं गैस का क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, गैस का नंबर ऑफ मोल बढ़ा देता हूं,
तो फिर अपना गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो पेट फुल तो है कि नहीं है। सो अकॉर्डिंगली जब हमने गैस का नंबर ऑफ मोल को बढ़ा देते हैं फिर अपना बिल्कुल गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। देयरफॉर हियर वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट नंबर ऑफ मोल, एंड हियर वी आर कीपिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस कॉन्स्टेंट। ये अपना हो गया इक्वेशन 3 है, एंड दिस इज कॉल्ड योर एवोगाड्रोस लॉ। यह अपना हो गया आपका एवोगाड्रोस लॉ होता है। नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 we can say that the volume directly proportional to nt by p, or here we can say that volume equals to nrt by p, r अपना proportionality constant है, so r may be called the universal gas constant। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एंड देयरफॉर हियर वी कैन से दैट सो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। सो बेसिक द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स, इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन I have to introduce a proportionality constant, and that is अपना R हो गया। R अपना हुआ proportionality constant है, and this may be called universal gas constant है। ये क्या होता है? Universal gas constant होता है, and therefore R here I can say that तो universal gas constant है। आर अपना हुआ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन है। इस हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन है। So therefore, तो ये जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन में यहां पे सो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन,
यहां पे पी अपना प्रेशर हो गया, बी अपना हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, पी अपना टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल एन अपना नंबर ऑफ पोल्स ऑफ गैस, आर अपना हो गया गैस कॉन्स्टेंट। आर अपना क्या होता है? गैस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। Now we shall come to units of pressure, volume, temperature, etc. Now अब हम देखेंगे अपना ये जो फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। The unit conversions are highly important. So for numericals are concerned, इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी सारे का यूनिट चेक करते हैं एक बार। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये अपना जो प्रेशर का यूनिट हो गया एटमॉस्फेयर, इट कैन बी गिवन बाय एटीएम, दिस ऑल्सो कैन बी गिवन बाय सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, एटसेट्रा। नाउ विल कम टू कन्वर्शन। कन्वर्शंस आर हाईली इंपॉर्टेंट। तो अपना कन्वर्शन क्या बोलता है, जो आपका वन एटमोस्फियर है, दिस में भी इक्वल्स टू ए टी एम, एटमोस्फियर हो गया 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, दिस में भी इक्वल्स टू 760 एमएम का तो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, and this may be equals to 760 torr, and this may be equal to about 1.013 bar. It is equal to 1.013 into 10 power 5 pascals. तो PA क्या होता है? PA का तो पास्कल। ये पीए क्या होता है? पीए का होता है पास्कल्स। नेक्स्ट, दिस में भी इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस आल्सो इक्वल्स टू 1.013 into 10 power 6 dyne per centimeter square. Ka dyne per centimeter square. Next, ab yahan se kya pata chalta hai? From here we can conclude that the conclusion is so both are here same values. Therefore, we can say that 1 millimeter of mercury जो होता है, 1 millimeter of mercury will be equals to 1 torr, will be equal to 1 torr
एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट इज अपना बार हुआ, बार एंड एटमोस्फियर नियरली सेम. सो बार एंड एटमोस्फियर नियरली सेम होता है, देयरफॉर वन एटमोस्फियर नियरली इक्वल टू वन बार. दिस इज कॉल्ड नियरली इक्वल. ये इक्वल है, ये नियरली इक्वल है. ये क्या है? इक्वल. ये नियरली इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल. एंड हियर वी कैन से दैट इज अपना वन पास्कल हुआ इज इक्वल्स टू वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस बोथ आर सेम. एंड अकॉर्डिंगली जो आपका वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, यह अपना टेन है, नाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी इक्वल होता है. सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा आप सभी को. एक बार दो बार तीन बार लिखो, प्रैक्टिस करो, तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप को समझ जाता है. आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तो समझता है वो. डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है. ये अपना हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक से नहीं दिख रहा ये. Come to by units of temperature. So coming to units of temperature, मगर temperature क्या है, क्या measure करता है, ये सारे बातें आपको ढूंढना है, ठीक है. Now we'll come to the units of temperature. See, coming to units of temperature, ये अपना हुआ डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी, डिग्री फारेनहाइट, स्मॉल टी. नेक्स्ट अपना केल्विन, केल्विन अपना के होता है. केल्विन के बाद डिग्री एब्सोल्यूट. केल्विन और डिग्री एब्सोल्यूट. डिग्री एब्सोल्यूट. ये अपना कैपिटल टी होता है सर, कैपिटल टी. डू रिमेंबर दिस. तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल इज इक्वल्स टू टेम्परेचर एंड डिग्री एब्सोल्यूट, दोनों सेम रहता है. नेक्स्ट, अगेन डू रिमेंबर दैट द टेम्परेचर एंड केल्विन स्केल कैन बी गिवन बाय टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. You can even take, it is more accurate. But for all calculations, you can take 273, no problem. ये 273.15 होना चाहिए था, ये करेक्ट है, एक्यूरेट है.
पर कैलकुलेशंस के लिए यू कैन टेक वोट 273. अकॉर्डिंगली द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू 5/9 इनटू द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट -32 है. ये कन्वर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं. तो अगर हमको फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले फारेनहाइट को सेल्सियस, फिर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो. तो अगर हमें फारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे, फारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो और सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री फारेनहाइट स्केल, केल्विन किम्बर डिग्री एब्सोल्यूट. जनरली वी डोंट कॉल डिग्री केल्विन, डिग्री केल्विन नहीं कहते, सिंपली केल्विन ही कहते हैं. ये अपना नेम ऑफ द साइंटिस्ट हो गया और ये अपना डिग्री एब्सोल्यूट है, बोथ आर सेम. ओके, एंड नाउ वी विल कम टू द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. So coming to units of volume, इसका अपना यूनिट्स हो गया सीसी सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, डीएम क्यू, मीटर क्यू एटसेट्रा. नाउ विल कम टू कन्वर्शन पार्ट. सो देखो अपना कन्वर्शन क्या होता है. सी डू रिमेंबर दैट जब आपको 1 cc होगा, 1 cc ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ml. Is equal to 1 cm³. Next, accordingly, जो आपको 1 liter है, is equal to 1000 ml होगा. तो कितना सीसी है, 1000 cc होता है, because all are same. ये अपना 1000 क्या होता है, अपना सेंटीमीटर क्यूब होता है. And this may be equals to 1 dm³. अपना क्या 1 dm³ इक्वल होता है. अकॉर्डिंगली जब आपका 1 m³ है, ऐसा यूनिट ये अपना क्या वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है. सो दिस मे बी इक्वल्स टू 10³ liters. ये अपना हो गया 10⁶ ml है. अब यहां से पता चलता है, यहां से पता चलेगा कि 1 cc और 1 ml इक्वल्स टू 10⁻³ liters. ये अपना बहुत काम का है, ये हर बार अपना क्वेश्चंस को लगता है, इसको याद रख लो. वॉल्यूम का अर्थ aq है, aq डिस्टेंस का, लेंथ का क्यू है, लेंथ का क्यू, लेंथ का क्यूब, cm³, मीटर क्यूब, लेंथ. ठीक है. ओके, दिस ऑल अबाउट योर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. कन्वर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक केयर ऑफ द कन्वर्शंस. नाउ विल कम टू द यूनिट्स ऑफ units and the values of gas constant R. Now we shall come to the units and values of gas constant R. R apna hoga the universal gas constant. Okay.
आर अपना हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जैसा हमने देखा कि जो आर का वैल्यू होता है, जो आपका आर का वैल्यू होगा डिपेंड्स ऑन प्रेशर यूनिट, वॉल्यूम यूनिट, नंबर ऑफ मोल एंड टेम्परेचर यूनिट है। देयरफॉर हियर वी कैन से दैट ये अपना प्रेशर हो गया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, टेम्परेचर एंड आर वैल्यू। ठीक है, अगर अपना प्रेशर एटमॉस्फेयर में रहता है, ये लीटर में रहेगा, ये तो अपना मोल है, ये केल्विन में रहता है, तो आर का वैल्यू कितना है? 0.0821 और दिस में भी इक्वल्स टू 25 बाय, सॉरी ये अपना कितना बताइए, 1/12। कितना 1/12, दिस और दिस यूनिट क्या है? अपना वॉल्यूम लीटर में है, लीटर एटमॉस्फियर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली अगर अपना प्रेशर, प्रेशर फॉर एग्जांपल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, अगर अपना प्रेशर होता किसमें, प्रेशर अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ये अपना मीटर क्यूब, मोल एंड केल्विन है, आर का वैल्यू कितना बताओ, 8.314 जूल है। हमको जूल कैसे मिलता बताओ? अब यहां पे प्रेशर अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है और ये अपना मीटर क्यूब में है, तो कैंसिल होगा। एंड व्हाट इज न्यूटन मीटर नाउ, जूल। इतना जूल होता है मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। अगेन ध्यान रखो कि जब आपका 1 कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी है इज इक्वल टू नियरली कितना अपना 4.2 जूल होता है। यहां पर और एक बात लिखेंगे, जो आपका 8.314 होता है, दिस में भी इक्वल्स टू 25/3, 25/3 जूल, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स होता है। ओके, एंड दिस में भी इक्वल्स टू 2 कैलोरी, 2 कैलोरी मोल इनवर्स, ये नियरली 1.9 है, तो ये 1.9 है, इज नियरली इक्वल टू 2 है। ये अपना हुआ एसआई यूनिट है, ये कौन सा यूनिट है बताओ, एसआई यूनिट है। ओके, नेक्स्ट, अगर अपना जो प्रेशर है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये अपना सेंटीमीटर क्यूब, ये अपना मोल, केल्विन है, तो आर का वैल्यू कितना बताओ, 8.314 इंटू 10^7 होगा अर्क, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आप
अपना हुआ सीजीएस यूनिट है, सीजीएस या एसआई के बाय एमजीएस यूनिट है, एंड जनरली फॉर ऑल गैस कैलकुलेशंस यू टेक केयर दैट वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर आर वैल्यू. जब आप ये आर यूज करते हो, वॉल्यूम लीटर में होना, प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना, ये बहुत जरूरी है. और बच्चा यहीं पे गड़बड़ करता है. अगर मैं वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू लीटर. अगर आपने प्रेशर पास्कल में दिया है, दैट यू हैव टू कन्वर्ट इनटू एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो ये जो आर का वैल्यू यूज करने के लिए, तो यूज दिस पर्टिकुलर आर वैल्यू, यू टेक केयर दैट यू हैव कन्वर्टेड वॉल्यूम इनटू लीटर, प्रेशर इनटू एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू टेक केयर. So here we shall stop and wait for the next upcoming videos, right?